हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो से पार्ट शुरू हुआ था हमारा टाइप टू कन्वर्जन का, जो कि हमारे फ्रेंड से, जैसे कि ग्रैंड आइटन है। ग्रैंड आइटन में दो टाइप्स ऑलरेडी आए हुए हैं, जो ये है फर्स्ट टाइप, एंड सेकंड टाइप में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे कि और भी वीडियोज आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आप देख चुके होंगे। तो लास्ट मैंने एक बैक साइड में वैसे कन्वर्ट करा चुका हूँ मैं टाइप टू में, उसकी वीडियो चाहिए आपको लिंक मिल जाएगी आई बटन पे, उसमें आप देख सकते हैं। सो फिलहाल अभी फ्रंट को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टाइप टू में, तो उसके लिए हमें पहले कुछ पार्ट्स चाहिए तो होते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले तो बम्पर है, मेनली जो टाइप टू वाला बम्पर है वो मैंने मंगा चुका हूँ। वो मैं आपको जब मैं इंस्टॉल कराने जाऊँगा बम्पर, तब मैं आपको दिखा दूंगा। जो डेंटर पेंटर है उनके पास ऑलरेडी बम्पर पहुँच चुका है। सो इसमें हमें ग्रिल चाहिए। ग्रिल में आपको एक सरप्राइज़ है, ग्रिल में एक अच्छी चीज़ दिखाऊंगा जो आप भी ट्राई कर सकते हैं अपनी किसी भी गाड़ी में, ठीक है। यूनिवर्सल एक ग्रिल इंस्टॉल कराऊंगा मैं, उसको आप जरूर देखना। अगली वीडियो में मिल जाएगा आपको, अगली एक दो वीडियो में मैं ग्रिल ला के आपको दिखाऊंगा। सो फिलहाल अब हमारा पार्ट है इसमें जो, अगर आप ऑलरेडी ऑन कर रहे हैं या देख रहे हैं गाड़ियों को, आपने देखा होगा ग्रैंड आइटन, आप जानते हैं। तो उसमें आपको बताओ ग्रैंड आइटन में आता है फॉग लैम्प विद DRL, तो वही मैंने ये परचेज करी है। जैसे कि इतना बड़ा बॉक्स है इसका, ठीक है भाई, मैं ही छुप गया इसके पीछे, तो बॉक्स बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें मैं दिखाता हूँ निकाल के क्या चीज़ें हैं। बॉक्स पर मत जाइए आप, बॉक्स एक इनके होते ही है। जो एक है पहले जो बॉक्स में आता है, ये आता है कनेक्टर, ठीक है। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि कनेक्टेबल है, जैसे ये है ना प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। कि होता क्या, बम्पर्स हमें उतारने पड़ते हैं, कभी कुछ मॉडिफिकेशन करा रहे हैं कुछ है या चेंज करा रहे हैं, तो बाबा बम्पर उतारना पड़ता। अगर वायर वाला फिक्स वायर होंगे तो ना काटो फिर, समझ गए। तो वो एक हेड है, ये क्या है, प्लग एंड प्ले है, सिंपली प्लग करो एंड यूज़ करो। ये वायरिंग आपकी ऑलरेडी हो रखी होगी। वायरिंग का जो मैं पैटर्न है वो मैं आपको भी समझाऊंगा, ऐसे जब चेक करेंगे तब दिखाऊंगा आपको चला के, तब आपको बताऊंगा। तो ऐसा कुछ मॉड्यूल आता है इसका, ऑटोमेटिक DRL कंट्रोलर लिखा हुआ है इस पर, ये कंट्रोलर आता है, इसे हम इंस्टॉल कराएंगे। QC पास 2022, सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बट एनी हाउ इसका प्राइसिंग मैं लास्ट में बताऊंगा, प्राइसिंग भी सरप्राइजिंग है, ठीक है। आप ऑनलाइन सर्च जरूर करना इसका प्राइसिंग, फिर मेरे इसके थ्रू देखना कि क्या प्राइसिंग मुझे मिला है। सो हियर वी गो, ये है हमारा, ठीक है। हाँ, ये है DRL। ये देखो, ये अगर आप ओरिजिनल ओन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ओरिजिनल में जो होती है क्यूब वाली होती है, वो ओरिजिनल होती है, वो अलग होती है। उसका ओरिजिनल का प्राइसिंग ही पर LED, पर DRL, अगर मैं हॉन्डाई जेनुइन की बात करूँ, 5 से 6 हज़ार रुपये की एक LED पड़ती है। एंड आफ्टर मार्केट आप वही ओरिजिनल टाइप में लेने जाएंगे तो आपको अराउंड 4 हज़ार रुपये समथिंग में मिलेगी। और ये मैंने उससे आधे से भी कम में ली है बिकॉज ऑफ कश्मीरी गेट, तो एक बेनिफिट मुझे मिला कश्मीरी गेट का। देखो ये एक्चुअल पूरा पीस होता है, ठीक है। इसकी DRL विद इंडिकेटर है, ये DRL है विद इंडिकेटर। इसमें आपका जो मैं बताया ना प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, ये है वो प्लग एंड प्ले, तो प्लग करके सीधे यूज़ कर सकते हैं। ये अपना यहाँ पर फॉग लैम्प लगेगा, फॉग लैम्प में भी हम इसमें प्रोजेक्टर इंस्टॉल करेंगे, तो उसकी भी वीडियो मिलेगी। तो सारा इस सीरीज़ में हम बहुत कुछ इंस्टॉल करने वाले हैं, तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वो नई नई चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। सो ऐसा कुछ है इसका, ठीक है। मैं अभी आपको बम्पर में दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या इंस्टॉल होगा, एक फोटो में दे दूंगा इधर साइड में, जिसमें आपको दिख जाएगा कि भाई कैसा इंस्टॉल होगा ये, ठीक है। एंड सेकंड पीस मेरा आई डोंट थिंक की जरूरत है दिखाने की, बट ठीक है। अभी मैं से हम चेक करेंगे, मैंने ऑलरेडी चेक नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था, कल लेट हो गया था, तो उसे हम चेक करेंगे अब यूज़ करके कि वर्किंग है या क्या है इसकी चीज़ें। सो चलिए सीधे पहले चेक करके दिखाते हैं इसे चलने में, मतलब दिन जैसा ऑलरेडी दिन हो रखा है पूरा, तो क्या लाइटनिंग इफेक्ट दे रहा है। DRL तो भाई डे टाइम में तो अच्छी चाहिए ना, तो देखते हैं डे टाइम में कितना वर्क करती है ये, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा सीधे। अभी हम चलते हैं इसके बॉन्ड पे, इसके बैटरी में चेक करके दिखाता हूँ आपको। सो अब बाकी आप बताना कि कैसा वर्थ है नहीं है। प्राइसिंग मैं आपको जब चेक करके तब बताऊँगा, प्राइसिंग के लिए लास्ट तक बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस मिलेगा आपको भी। लेना होगा शॉप का एड्रेस दे दूँगा, कार्ड दिखा दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए सीधे पहले अब चलते हैं इसके बॉन्ड पे। सो इस टाइम ये वर्किंग है LEDs, कितना जस्टिफाई हो रहा है आई डोंट नो, ठीक है। फिलहाल फॉग लैम्प का फ़र्क देखेंगे तो ये कैसा है और ये हमारे कैसे हैं, ठीक है। ये चेंज होंगे क्योंकि बम्पर भी पूरा चेंज होगा, बम्पर टूट चुका है मेरा, इसलिए और चेंज करा रहा हूँ। देखो डिफरेंस दिखा देता हूँ, बंद होके कैसे लगेगी और ये चालू में कैसा है, फ़र्क साफ है, ठीक है। अच्छी हैं LEDs, है ना, बाकी ग्लो तो करेंगी सेकेंडरी। अब हम इसमें आपको इंडिकेटर चालू करके वो दिखाता हूँ मैं, क्योंकि इसमें इंडिकेटर का ये फंक्शन है, ये देखो
हाँ बट ये है कि इंडिकेटर रनिंग नहीं है यार, ये इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया मैंने, बट कोई नहीं, रनिंग भी नहीं है तो कोई ऐसा इशू है नहीं वैसे तो, अच्छा रनिंग लगता है लेकिन ये भी ठीक है। अब दोनों इंडिकेटर चलाएं, ठीक है। ये है इसका सारा कुछ जो फंक्शन है, ये देखो मैं वायरिंग लगा रहा हूँ इंडिकेटर की, ये उधर है, फोकस करते हैं ज़रा, ठीक है। जब इंडिकेटर बंद होता है उसके कुछ सेकंड का ब्रेक लेता है, फिर धनी चालू होती है, देखो इंडिकेटर चालू हो गया, धनी ब्रेक, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, और जो एक है ब्लैक में है नॉर्मल, ये ग्लॉसी ब्लैक है, ये नॉर्मल ब्लैक है, तो ये भी एक अच्छा पार्ट है इसका। सो चलिए अब इसका इंस्टॉलेशन पर दिखाएंगे आपको, ये मॉड्यूल मैंने यहाँ लगा रखा है, ठीक है, जुगाड़ करके थोड़ा सा अभी टेम्परेरी के लिए भी दिखाने के लिए। सो ये इंस्टॉल होगा इधर हमारे, क्योंकि पूरा बम्पर चेंज हो जाएगा, नया बम्पर मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा, साइड में आ जाएगी अभी, तो वहाँ जाके ये इंस्टॉल होंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा इनका आउटपुट। सो चलिए मिलते हैं कुछ और नई वीडियोस के साथ। ये सिर्फ मेरा एक मोटिव था कि एक पार्ट है जो हम इंस्टॉल कराने के लिए चाहिए होगा, और इसका रिव्यू लोगों को अगर परचेज़ करना हो उसके लिए मैं बता देता हूँ। ये मुझे 1600 का पड़ा है कश्मीरी गेट से, आप ऑनलाइन या किसी मार्केट में पता करेंगे, 3000 से कम की चीज़ नहीं है, 2.5 से 3000 रुपये से लोग चार्ज करते हैं। आपके कश्मीरी गेट नियर बाय पड़ता है तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो बेस्ट थिंग है इसकी वही कपलर जो मैं बता रहा था आपको, ये देखो सारे कपलर सिस्टम है, कपलर में भी लॉक्स हैं, ये देखो ये विदाउट लॉक मैंने लगा रखा है, तो ये ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसमें रोटेशन होता है, इसे रोटेट करेंगे तब हम इसे अनलॉक होगा, है ना, रोटेशन वाले लॉक्स हैं इसमें देखो। तो ऐसा कुछ है ये, तो क्वालिटी तो अच्छी लगी मुझे, देन और तो कोई इशू नहीं है। बाकी अब देखते हैं सीधे इंस्टॉलेशन में क्या लुक देती हैं ये, क्या वर्थ लगती है या नहीं लगती है, बट मुझे फ़िलहाल तो अच्छी लग रही है, लाइटनिंग भी काफ़ी है, रात में मेरे को लगता है बहुत बढ़िया चलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कुछ और नई वीडियोज़ के साथ। अब पार्ट वन की ये पहली वीडियोस कह सकते हैं, पहला पार्ट है ये, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके ये आएंगे, जैसे जैसे इसका प्रोडक्ट्स आते जाएंगे सब मैं दिखाऊंगा वीडियो में, देन फाइनल जो इंस्टॉल होने के बाद दिखेगा वो तो एक अलग ही चीज़ में बनेगी। सो मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो पे, सो टिल देन बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो आपको पसंद आई हो तो।